शहीद अहमद कासमी के इस सकाफती और तालीमी इदारे में इंतहाई लगन और मेहनत से काम करते हुए मोहसिन को 3 साल होने को आ रहे थे, मगर मोहसिन के लिए ये सब नाकाफी था। मोहसिन की प्यासी रूह उसी वक्त सैराब होना थी जब मोहसिन अपना सर अहले बैत अलैहिस्सलाम के कदमों में रख देता। ये इश्क़ हुसैनी से सरशार नौजवान मुहर्रम, सफ़र, इस्फहान और नजफाबाद के इमाम बारगाहों में जहाँ भी आज़ादारी के लिए पहुँचता, मज़लूम करबला के आज़ादारों की खिदमत में लगा रहता। हाँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम की खादमी का दर्स तो माँ ने बहुत बचपन से मोहसिन को दिया था। पहली बार जब मोहसिन ने सिर्फ 4 साल का था, माँ ने पानी का गिलास नन्हे मोहसिन को थमाते हुए कहा था, मोहसिन मेरी जान, याद रखो हम अपने मौला अलैहिस्सलाम के सदक़े में रिज़्क पा रहे हैं और उनसे शुक्रगुजारी का तरीका ये है कि हमेशा उनकी खिदमत करना और उन्हें राज़ी रखना। जाओ ये पानी मौला के पुरसे के लिए आए हुए आज़ादारों को पिलाओ। कभी मामा मोहसिन को आज़ादारी में लेकर आती तो बड़ी अकीदत से आज़ादारों के जूते तरतीब से रखना शुरू करती और नन्हे मोहसिन से भी ये काम करवाती। मोहसिन को ये सब याद था और माँ की नसीहत भी जहन में थी, इसीलिए पूरे साल मजहबी सरगर्मियों में शिरकत के अलावा मोहसिन को मुहर्रम सफ़र के महीनों का शिद्दत से इंतज़ार रहता था ताकि उसे अपने मौला की खादमी का मौका मिले। मोहसिन की उम्र 18 साल हो रही थी और उसे लाजमी फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए जाना था। जितने अरसे मोहसिन लाजमी फ़ौजी ट्रेनिंग पर रहा, इदारे में उदासी की फ़जा फैली रही। खुसूसन वो लड़के और लड़कियाँ जो मोहसिन के पास इम्तिहान के दिनों में ट्यूशन पढ़ने आते थे, मोहसिन के बग़ैर बेहद उदास थे। मोहसिन के शागिर्दों में एक 16 साल की लड़की जहरा भी थी। सर से पैर तक सियाह चादर में लिपटी हया का पैकर बनी ये लड़की इस मेहरबान और खुश अखलाक नौजवान को अपना दिल दे बैठी थी। मोहसिन का खूबसूरत अंदाज़े बयान, नर्म लहजा, मुस्कुराती आँखें जहरा के दिल और रूह में उतर चुकी थीं। इम्तिहानों के बाद भी जहरा कोई ना कोई किताब लेने के बहाने इदारे के चक्कर लगाती रहती। मोहसिन ने जब शुहदा से जहरा की अकीदत और मोहब्बत देखी तो उसे किताबों के मुतालिक रहनुमाई कर देता। अब मोहसिन जहरा को हर महीने मुकद्दस दिफा के मुतालिक या अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और उनके इलाही कामों से मुतालिक एक किताब पढ़ने को दे देता और फिर जहरा से उसका इम्तिहान भी लेता। आगाज़ ज़िंदगी। मोहसिन 2 साल की इस ट्रेनिंग में एक दिलेर, शुजा और अपने इरादों में मुसम्मम जवान का रूप धार चुका था। मोहसिन को ट्रेनिंग से वापस आए 2-3 दिन हो गए थे। अभी इदारे में किसी को मोहसिन के आने की इत्तला नहीं थी। फ़िलहाल तो मोहसिन माँ बहनों के झुरमुट में घिरा हुआ था। माँ का बस नहीं चल रहा था कि अपने आँखों के तारे के लिए क्या क्या पका कर रख दें। हकीकत ये थी कि इन 2 सालों में एक बार भी छुट्टी पर घर नहीं आ सका था, क्योंकि छुट्टियाँ मनसूख करके उसे गौरीला ट्रेनिंग पर भेज दिया गया था। अगरचे मोहसिन इदारे जाने के लिए बेचैन था, लेकिन घर वालों की वजह से वो 2-3 दिन घर में ही गुजार लिए। जिस दिन मोहसिन इदारे पहुंचा, मुकद्दस दिफा के अय्याम के सिलसिले में कुतुब मेले की तैयारियां हो रही थीं। मोहसिन को देखकर सब खुशी से मोहसिन से लिपट गए। मोहसिन के इंचार्ज आगा खलीली ने भी मोहसिन को गले लगाया और कहा, मेरे दोस्त, तुम तो ऐसे गए कि 2 साल तक खबर ही नहीं ली। अब तुम आ गए हो तो कुतुब मेले की तैयारी में हाथ बटाना शुरू कर दो। मोहसिन ने अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी आप सब की याद बहुत आई। मुकद्दस दिफा के हवाले से कुतुब मेले की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। इस बार तय ये हुआ था कि ये कुतुब मेला शहीद अहमद काजमी के इदारे की तरफ से पूरे इस्फहान और नजफाबाद में बरगुजार किया जाएगा। मोहसिन की यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू हो चुकी थीं। इन क्लासेस के साथ साथ मोहसिन कुतुब मेले की तैयारी में भी सख्त मशगूल था। एक रोज़ मोहसिन ने अपने इंचार्ज आगा खलीली से कहा, आगा साहब, आप मेरे गहरे दोस्त भी हैं और मेरी फ़िक्र से भी वाकिफ़ हैं। इस इदारे में जो खाहरान काम कर रही हैं, आप उन्हीं में से किसी एक को मुझे मारफी करें। मुझे परवास की जल्दी है। मैं ऐसी लड़की को शरीक हयात बनाना चाहता हूँ जो इस परवास में मेरी मददगार साबित हो। आगा खलीली ने मुस्कुराकर मोहसिन को गले लगा लिया और कहा, मोहसिन जान, जब मैं तुम्हारी बुलंद फ़िक्र, खुदा तक पहुँचने के लिए तुम्हारी रियाजत
और शहादत के लिए तुम्हारी तड़प देखता हूँ तो मुझे तुम पर रश्क आता है और अपने आप से शर्मिंदगी होती है। तुम्हारे लिए शरीक सफ़र का इंतखाब खुद शहीद काजमी ही करेंगे और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। तुम जैसे पाक जवानों पर तो आसमान वाले भी नाज करते हैं। आज जब आगाह खलीदी ने मोहसिन के सामने जहरा का नाम लिया तो मोहसिन समझ गया कि शरीक ज़िंदगी के इंतखाब में भी शहीद ने ही उसका हाथ थामा है। आगाह खलीदी ने मोहसिन से कहा कि वो जहरा के घर वालों को जानते हैं, जहरा में वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जैसा कि तुम चाहते हो। इस रात मोहसिन शहीद अहमद काजमी के मज़ार पर ज़्यारत के लिए गए। इस रात मोहसिन ने अपने मसीहा से ढेर सारी बातें की और कहा, शहीद अजीज़, मुझे आपके इंतखाब पर इत्मीनान है, बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये लड़की मुझे जल्द से जल्द मेरे मकसद तक पहुँचा दे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि शादी के बाद मेरे ईमान में सुस्ती ना आ जाए, आतश शहादत कहीं कम ना हो जाए। यकीनन शहीद ने जवाब में कहा होगा, मोहसिन जान, फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़की का इंतखाब किया है वो भी मामूली लड़की नहीं है। जब तुम हुसैनी मिशन पर निकलोगे तो ये लड़की अज़्म ज़ैनबी लेकर तुम्हारे मिशन की तकमील करेगी। ये लड़की हरगिज़ तुम्हारे ईमान को सुस्त नहीं होने देगी, तुम्हारी आतश शहादत को कम नहीं होने देगी। उस रोज़ कुतुब मेले में मोहसिन ने दिफाए मुकद्दस के हवाले से एक किताब का इंतखाब किया जिसका उन्वान था, तूफ़ानी दीगर दर राह आस्त, एक और तूफ़ान रास्ते में है। किताब को बहुत खूबसूरत गिफ्ट पेपर में पैक किया और गुलाब के फूल की एक शाख के साथ ले जाकर जहरा को पेश की। दो तीन दिन के बाद जहरा ने भी इसी तरह खूबसूरत गिफ्ट पेपर में एक किताब जिसका उन्वान था मर्द साल हाय अबरी, बरसाती दिनों का साथी, और गुलाब की एक शाख मोहसिन को पेश की। ये इन दो पाकिज़ा दिलों की मोहब्बत का बाकायदा आगाज़ था। मोहसिन ने रात में ही बग़ैर कोई तमहीद बाँधे मामा को जहरा के बारे में बताना शुरू किया। मामा ने अपने अज़ीज़ बेटे की बात को गौर से सुनने के बाद जानों पे सर रखे मोहसिन के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए जवाब दिया, मैं कुर्बान जाऊँ मेरे शहजादे, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें हम सफ़र की ज़रूरत पड़ गई। मोहसिन ने जवाब दिया, मामा, मैंने उस लड़की से इस मौजू पे कोई बात नहीं की है, बस मुझे लगता है, ऐसा लगता है मेरे अज़ीज़ दोस्त शहीद अहमद काजमी ने इस लड़की को मेरे लिए मुंतखब किया है। माँ ने खुश होकर कहा, मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम कितने समझदार हो, यकीनन तुम अपने लिए बेहतरीन शरीक ज़िंदगी इंतखाब करोगे, मुझे अपने बेटे पर मान है। फिर माँ ने मोहसिन से कहा, मैं आगाए अब्बासी की फैमिली को जानती हूँ, हो सकता है वो मुझे ना जानती हूँ, उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम जहरा है, अक्सर इमाम बारगाह में अपनी माँ के साथ दिखाई देती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है मगर अभी तो पढ़ रही है, उसके वालदैन इतनी आसानी से राज़ी नहीं होंगे। रात में जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो उनसे बात करूँगी। बाबा और भाई जब घर आए तो माँ ने मोहसिन की बात उन्हें बताई। माँ की बात सुनकर भाई ने बड़े ज़ोर का कहकहा लगाया और कहा, इसे देखो, अभी 20 साल का हुआ है, पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, नौकरी भी नहीं शुरू की और इसे शादी की पड़ गई, बड़ी जल्दी है इसे शादी की, पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाए। किस कदर पाकीज़ा सोच के साथ इस जवान ने अपने मकसद को पा लेने के लिए हमसर का इंतखाब किया और इसी जज्बे से ये बात वालदैन को बताई। काश हमारे जवान भी इससे सबक लें इंशाल्लाह। मगर मोहसिन के वालिद सर झुकाए कुछ सोच रहे थे, उन्हें भी मोहसिन पर एतमाद था। वो जानते थे कि मोहसिन बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा समझदार है, मगर बड़े बेटे की बात भी सही थी, अभी शादी कर लेना मोहसिन के लिए जल्दी थी। ऐ काश कोई ये बात मोहसिन के बाबा को बता देता कि ज़मीन वालों को जल्दी नहीं है मगर आसमान वालों को इस आसमानी जवान को अपने पास बुलाने की जल्दी है, इसीलिए इसके परवास की राहें तेज़ी से हमवार की जा रही हैं। तो ये पाया कि आगाह खलीली के ही ज़रिए जहरा के घर वालों से मुलाकात का टाइम लिया जाए। जहरा के घर वालों ने इंतहाई खुशअसलूबी से उन्हें रोज़े जुमा अपने घर आने की दावत दी। जुमे में अभी 3 दिन बाकी थे, वो 3 दिन मोहसिन की बहनों और माँ के लिए बड़ी घबराहट में गुजरे। अगर जहरा के वालदैन ने मना कर दिया तो उनके जान से प्यारे भाई का दिल टूट जाएगा और मोहसिन के घर वालों को मोहसिन की परेशानी हरगिज़ बर्दाश्त न थी। मोहसिन बहुत मुतमईन था, इसे परवरदिगार की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद था। बिलाखिर जुमा का दिन भी आन पहुँचा।
محسن اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ کر واپس آیا تو بہنوں اور ماما کو چلنے کے لیے تیار پایا۔ راستے سے مٹھائی کا ڈبہ اور پھولوں کا گلدستہ لے کر سب آغائے عبازی کے یہاں پہنچے۔ آغائے عبازی نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور انہیں بہت عزت سے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھایا۔ آغائے عبازی اس سے پہلے کہ محسن سے کوئی سوال کرتے، محسن کے چہرے پر پھیلا سکون اور اطمینان ہی ان کو حیران کر گیا۔ محسن اور زہرا کے والدین کے درمیان کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی، محسن کی تعلیم اور اس کے جاب کے بارے میں سوالات کیے۔ محسن نے بتایا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں اس کا پہلا سال ہے اور کبھی کبھی اسے کسی پلازے میں بجلی کی فٹنگ کا کام مل جاتا ہے۔ زہرا کے والدین کو یہ با ایمان لڑکا دل و جان سے پسند آ گیا تھا۔ انہوں نے محسن کی مالی پوزیشن کے بارے میں زیادہ گفتگو ہی نہیں کی اور زہرا کو چائے لانے کے لیے آواز دی۔ نوٹ: ایران میں یہ رسم ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کے گھر والوں کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے لڑکے کو چائے پیش کرنے کا کہتے ہیں، باقی کے مراحل بعد میں طے ہوتے ہیں۔ اگر لڑکا ابتدائی سوال و جواب کے بعد والدین کے معیار پر پورا نہیں اترتا ہے تو لڑکے مہمانوں کے آگے چائے پیش نہیں کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے رواج سے تو آپ واقف ہیں، کاش کے رشتے عزت و ایمان کی بنیاد پر ہونے شروع ہو جائیں۔ زہرا مکمل حجاب کیے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے انتہائی باوقار انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں موجود مہمانوں کو با آواز بلند سلام کیا، پھر باری باری سب کو چائے پیش کی۔ زہرا چائے کی ٹرے لیے جب محسن کے پاس پہنچی تو محسن نے اسی طرح نگاہیں جھکائے ہوئے زہرا کو سلام کیا اور چائے کا کپ زہرا سے لے لیا۔ زہرا بھی دھیمی آواز میں سلام کا جواب دے کر اپنے والد کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ محسن کی ماں اور بہنوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے زہرا کو دیکھا۔ چائے کا دور ختم ہوا تو آغائے عباسی نے زہرا اور محسن کو اجازت دی کہ آپس میں گفتگو کر لیں۔ گفتگو کے لیے اجازت دینے کا مطلب تھا کہ زہرا کے والدین کو لڑکا پسند آ گیا۔ محسن کی ماں کے دھڑکتے دل کو تھوڑا قرار آیا، دور ہی دور سے بیٹے کی بلائیں لے ڈالیں۔ زہرا اور محسن وہاں سے اٹھ کر گفتگو کرنے ساتھ والے کمرے میں آئے۔ محسن نے جیب سے چھوٹا سا قرآن پاک نکالا، زہرا سے کہنا شروع کیا: زہرا، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے اور پھر آغائے خلیلی نے بھی آپ ہی کو معرفی کیا، میں کئی بار قرآن پاک کی آیات کے ذریعے خدا سے رہنمائی لے چکا ہوں۔ کل رات جب میں نے قرآن پاک کھول کر پروردگار عالم سے رہنمائی طلب کی تو یہ آیت نکلی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68۔ ترجمہ: ہم نے کہا ڈرو نہیں، بے شک غالب آنے والے تم ہی ہو۔ نوٹ: زہرا کہتی ہیں مجھے اس وقت اس آیت کے معنی و مفہوم زیادہ سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن اب محسن کی شہادت کے بعد اس کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے۔ زہرا، میں آپ کو شریک زندگی بنانے کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لے رہا ہوں۔ اس کے بعد محسن نے بسم اللہ کہہ کر قرآن کھولا، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو ذرا بند رکھیں، اپنے پوشیدہ اعضا کی حفاظت کریں، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اوپر سے ظاہر ہو۔ محسن نے قرآن پاک کو بند کیا اور زہرا سے مخاطب ہوا، زہرا، مجھے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق شریک حیات چاہیے، کیا آپ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ زہرا، جو سر جھکائے صرف ابھی تک سن رہی تھی، بے ساختہ لبوں سے نکلا، جی بالکل۔ محسن نے مسکرا کر کہا، میری ایک عرض اور ہے، پھر آپ اپنی شرائط مجھے بتا دیجئے گا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے محسن کی جانب دیکھا، زہرا، میں نے شہدا کے دسترخوان سے نوالہ اٹھایا ہے، میں چاہتا ہوں میری ہم سفر پہلے مجھے سعادت پھر شہادت کی منزل تک پہنچانے میں میری مددگار ثابت ہو، کیا آپ اس راستے میں میری مدد کریں گی؟ زہرا، جو پہلے ہی محسن کی سچائی، اس کی مضبوط شخصیت، اس کی پاکیزہ نگاہوں پر ایمان لے آئی تھی، جو خود جذبہ شہادت دل میں لیے تھی، جس کی دعاؤں میں خدا سے ایک دعا یہ بھی تھی، خدایا مجھے ایسا شریک سفر عطا کرنا جس کے ایمان کی ضمانت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے لی ہو۔ اور محسن سے مل کر زہرا کو یقین آ گیا تھا کہ وہ محسن ہی ہے جس کی ضمانت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے لی ہے۔ وہ محسن سے مخاطب ہوئی، آغا محسن، میری کوئی شرط نہیں، میں نے خدا سے جو مانگا تھا وہ مل گیا، میں نے بھی شہدا کے دسترخوان سے نوالہ اٹھایا ہے اور میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ شہدا نے ہی ہمیں ایک دوسرے سے ملوایا ہے، آپ مجھے ہر منزل پر اپنا مددگار پائیں گے،
बस आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद हूँ, आपको मेरे बाबा का बेटा बनकर रहना होगा। मोहसिन ने मुस्कुराकर जहरा की तरफ देखा और कहा, कबूल है। यकीन नहीं आता ईमान से लबरेज ये दो पाकीज़ा जवान जो ज़िंदगी के आगाज़ के लिए खुदाई अहदो फ़ैमान बांध रहे हैं, जो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम के इश्क का जाम पीकर जवान हुए हैं, क्या इसी ज़मीन की मखलूक हैं जहाँ लड़की सबसे पहले रिश्ते के लिए आने वाले जवान से उसकी माली पोजीशन का सवाल करती है और लड़का सबसे पहले लड़की के हुस्न पर निगाह करता और उसकी ज़ाहिरियत को तौलता है। बेशक जहरा और मोहसिन ने अपनी पाकीज़ा मोहब्बत को खुदाई रंग देकर तमाम जवानों पर साबित कर दिया कि ईमान की दौलत के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मोहसिन और जहरा जब गुफ्तगू ख़त्म करके ड्राइंग रूम में आए तो इन दोनों के चेहरों पर मोहब्बतों और रजायत के सितारे झिलमिलाते देख कर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने एक दूसरे को मुबारक सलामत देना शुरू की। जहरा की वालदा ने मिठाई का डब्बा खोल कर सबका मुँह मीठा करवाया। अक्त की तारीख भी उसी दिन तय कर ली गई। हमारे यहाँ रस्मों की बात पहले और फिर कहीं आखिर में अक्त की बात होती है। तब तक चाहे लड़का लड़की जितने भी गुनाह कर लें, लेकिन रस्में और बेजा इसराफ से दामन नहीं छुड़ाया जाता। इस हफ्ते की शब जुमा अक्त की तारीख ठहराई गई 2 नवंबर 2012। सुबह ही से मोहसिन के घर में हलचल सी मची हुई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ तो खुशी से कई कई बार अपने जिगर गोशे की बलाएँ ले चुकी थीं। कभी अपने नूरे नज़र को डोबान से धुएं देती तो कभी पैसों से सदका उतारती थी। खुशी की तो बात थी ही, आज उनके नूरे चश्म का निकाह था। निकाह की तकरीब नहायत सादगी से मुनक्किद की गई। अजीज़ान, यहाँ सादगी पर तवज्जो फरमाएं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले इसराफ़ और नुमाइश व बेजा रसूमात से दूर रहते हुए रिश्तों को पाकीज़गी अता करते हैं।